बिहार बस्ती के निवासियों, मेरी आपसे प्रार्थना है अपने किशनबाग बस्ती के विकास के लिए जो भी कार्य किए जाए उन कार्यों में आप सभी का सहयोग आवश्यक है। मेरी आपसे निवेदन है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपनी आपसे निवेदन है, कैलाजी चौधरी जो किशनबाग के निवासी हैं उनके मकान में आज अपने ब्लॉक अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी आ रहे हैं, आप सभी लोग यहाँ बधाए और अपनी समस्याओं का समाधान करें, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। वो अपने ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वो अपनी समस्याएं अपने पार्षद अपने एमएलए तक पहुँचाएंगे और अपनी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण होगा। तो मेरी निवेदन है जितने भी बस्ती के लोग हैं सभी यहाँ बधाए और यहाँ आए। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सभी आए और इस मीटिंग में शामिल हों। अभी अभी अपने ब्लॉक अध्यक्ष हर्षवर्धन जी आ रहे हैं, आप उनके सामने अपनी समस्या रखें, वो अपनी समस्याओं को आपके आगे अपने पार्षद के पास रखेंगे, पार्षद एमएलए के पास रखेगा, अपनी समस्याओं का समाधान होगा। अपनी बस्ती में जो विकास होना है उस विकास का कार्यक्रम तेजी से बढ़ेगा। मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बताने और बस्ती के विकास में जितना सहयोग दे सकते हैं, जितना योगदान दे सकते हैं दे, अगर आप लोग सब पीछे रहेंगे अपनी बस्ती का विकास कैसे होगा। मेरी सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग बस्ती में बधाइयाँ बता रहे हैं और आए और अपने समस्या का समाधान बताएं ताकि समस्या का समाधान हो। अपने किशनबाग बस्ती में पानी की समस्या है, जिसका पत्र एमएलए साहब को दिया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ है। आप सभी आए और कहें से कि हमें पानी चाहिए, हमारे घरों में पानी नहीं है, हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं, हमारे घरों में बिजली नहीं है, बिजली के लिए मना कर रखा है, कनेक्शन नहीं मिलते हैं, हमें बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। जब आप सब लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर के यहाँ अपनी समस्या का समाधान बताएंगे तब इसे समाधान होगा। इसे समाधान कैसे होगा अगर आप सब लोग घर सोते रहेंगे, बैठे रहेंगे, घर से नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी निवेदन है आपसे, जय हिंद जय भारत। सभी किशनबाग निवासियों से मेरा निवेदन है, हर्षवर्धन जी बता चुके हैं, हर्षवर्धन शर्मा मंडल अध्यक्ष हूँ। जुगल किशोर साहू शास्त्री नगर मंडल पहुंचा। जय श्री राम, जय श्री भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैलाश मौर्य मंडल उपाध्यक्ष हवामहल। राजीव मैडम वार्ड 5 अध्यक्ष हवामहल विधानसभा।
भाई साहब चलो जब तक कुछ दो बात कह देते हैं अच्छा लगता है। आप लोग ही बोलो, हमारे तो सुनते रहोगे, चुनाव आ गए तो आप ही बोलो। मैं तो क्या कह रहा हूँ, जैसे बाता ने भी बोला मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा जी, कुछ दो शब्द हो जाए थोड़ा फिर मैं बोलूंगा जरूर। हाँ ठीक है अशोक जी, कैलाजी चौधरी, कैलाजी चौधरी माला पहनाकर करेंगे। अब गंगाराम जी पटेल कन्हैयालाल जी बोरे का स्वागत करेंगे। चौधरी जी हेलो, हेलो चौधरी जी, ममता जी हाँ ममता जी चौधरी जी गोपाल जी वैसा हुआ स्वागत करे माला पहना के चलो 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 हर्षवर्धन जी गोपाल जी वैसा हुआ स्वागत करेंगे अपने स्वागत करिए माला पहना के वंदना जी आप ममता जी का स्वागत करो माला पहना के बात करेंगे आप।
सिंह जी आगे आइए। आनंद सिंह जी आज भी उनका माला पहना के स्वागत करेंगे। पप्पू जी पवार आनंद सिंह जी माला पहना के स्वागत करेंगे। सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आप पहले ये चीज पूछना चाहता हूँ कि बाद में बात करने पर बड़े आप तक चलती रहेगी ये बुद्धि चलती बात है आपके यहाँ के इनको मनोनी व्यक्ति लोग एक ही नाम से बोला जाता है तो इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप लोग तब राज बिल्कुल जोर से देखते रहे बोलो सबको आवाज आ जाए या कोरोनी घूमनी चाहिए। अब हम आपका जीवन जी बोले जाएंगे। मैं दुपट्टा पहनाया गया संजय जी जितने जाए आपकी कार्यकारिणी के लिए वहां से आगे तैयार हो जाइए। हमारे जीवन जी बैठा यही बोलेंगे आपको बता दे रहे हैं आप अध्यक्ष बन रहे बहुत बहुत अध्यक्ष बनाया महामंत्री बाद में स्वागत कर रहे हैं दुपट्टा लग रहा था जगमोहन जी मेहरा वो एमपी गए आनंद सिंह जी अध्यक्ष बनाया नंदू सिंह जी आए नहीं साहब बंगाराम जी पटेल राजूलाल जी भार्गव राजूलाल जी भार्गव विजेंद्र जी आओ जी आ जाओ निर्मल जैन जी श्री अरुण मेहता सदस्य
पहले उसको पहने लगाओ सबको पास कर दिया। आओ यार आप तो लेट हो रहे हैं यार। आपको आवाज दशरथ सिंह जी आगे सोनी जी आगे जाओ सोनी जी आगे जाओ सोनी जी आगे आओ श्री दशरथ सिंह जी सदस्य देखो मैं आपको एक चीज छोटी सी बता देता हूँ, चाहे मैं मंडल अध्यक्ष हूँ चाहे आप अध्यक्ष हो कोई भी हो सब समान है। अपन बीजेपी के अंदर इसके अंदर कोई समान नहीं है, सिर्फ काम करना पड़ेगा हर आदमी को, बस दिए जाने शिवराज जी उनको मंत्री बनाया जी गुजर पांचाल
अमर सिंह जी, गोविंद सिंह जी, नितेश जी नायक, नायक सूरज जी उर्फ बोलू, संतोष राय जी, श्रीमती गौरी देवी, श्रीमती ममता कंवर, श्रीमती नीतू कंवर, ममता राय जी, पता तो नाम है नहीं कोई, कृष्णा शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी राजावत, अब सबसे बढ़िया हमारे गोपाल जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब जी का स्वागत है। और कोई भाई रह गया तो बता देना कि लिस्ट आगे पीछे हो रही है। अरुण राजी होगा? नहीं नहीं नहीं, अब वो भाई विजय रह गए साइड में। एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट, एक बार चुप हो जाओ। चित्र जी बुलाए थे ना, चित्र जी आओ ना, दुपट्टा तो लाओ। राजे राजी आपके नाम तो आया ना, आया भी नहीं नरेश जी,
करने को बहुत कुछ है भाई साहब, कुछ हुआ ही नहीं 15 साल से मिट्टी खा रहे हैं। भाई बाबा जी हमारे मिशन से मिले, आप जिस आ रहे रविंदर जी बड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा गया बड़ा बड़ा छोटा गया सब चीजों के लिए आगे कोई रह तो नहीं गया नंदी सिंह जी, कोई रह तो नहीं गया सबने बताई समस्या आप लोगों ने किसी ने भी मिला इस तरीके मेरा आज हुआ या ये भैया इनका नाम कुछ ना मैं मुकेश जी कन्हैयालाल जी आओ जी आओ आओ कन्हैयालाल जी नन्हेलाल जी अब थोड़ा वो मस्ती की समस्या के बारे में बोल रहा हूँ। अनिल मीणा जी अमन 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 जी अमन जी अमन जी अमन जी आप ही हैं। एक हमारी ये बच्ची इनकी भी हुई क्या बिटिया का बिटिया का करो साहब नाम नहीं है बेटा फिर स्वागत तो करो बेटा ऐसे नहीं मधु जी मधु जी बेटा मधु दो साल ये है दुपट्टा इधर ऐसा कुछ भाई गलती से रह गया हो तो एक बार अरुण जी आपका हो गया सोनी जा रहा हूँ जल्दी आप बताओ वैसा कोई समझ सोनी जी सोनी जी सोनी जी सोनी जी सोनी जी वो तो नाश्ता लेंगे सोनी जी हम बुलाओ यार सोनी जी आप भी माला सोनी जी आओ आगे सोनी जी इधर आगे भाई साहब स्वागत करेंगे आपके आगे जाओ खोलने हो गया तब तो आ जाएंगे हो गया साहब एक काम करें फिर सबकी वजह से तब तक स्वागत हो गया हो जो मेरा भी हो गया किसी का रह गया और तो दो बात अपने गोपाल जी होता है यानी चाचा जी को मेरी तरफ से बुला दो सबकी तरफ से होगा ठीक है ना मेरा भी होगा सबका भी होगा ठीक है। अब ऐसा थोड़ी सी काम की बात हो जाए आप लोगों से मिला मैं भाई साहब से मिला उससे पहले आप लोगों ने कोई समस्या नहीं बताई थी मैंने खुद ने भाई साहब को कहा था कि आपको आंगनवाड़ी या बच्चों की स्कूल रोड या पुलिस चौकी फिर मुझे आगे से था कि ये सब चीजें जहाँ जगह तो मैंने कहीं पे भी नहीं थी सिर्फ वार्ड नंबर 5 की जो आपने बताई उसको नीचे की वो समस्या आगे नहीं और कोई सा भी शास्त्र नगर मंडल में कहीं पे भी नहीं थी मैंने आप और अदरवाइज आपके हिसाब से देखिए और भी जो समस्या रहेगी वो सब रहेगी मैं आशा करूंगा चुनाव से पहले हो जाए लेकिन अगर आचार संहिता लग जाती है तो काफी चुनाव में काम रुक जाता है ठीक है ना इसलिए आप भी कर रही है मैं आपका भाई की तरह हूँ जैसे भी गिर कन्हैया जी है चाचा जी है सब अपने ही किए ऐसी बात नहीं है मैं मिला हुआ हूँ आप लोगों तब तक जब भी एनी टाइम जरूरत हो मेरी फोन कर देना आप मैं आ जाऊंगा इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो भी मुझे होगा मैं जरूर करूंगा क्या आप इसका मेरे चाहिए मुझे जोर से होगा नारा नहीं कि बढ़िया किसी बात में बैठे सब दोस्त जोर से बोलना नारा ठीक है ना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जैसा कि भाई साहब ने बताया भी जो भी समस्या हो
प्रोफेसर साहब को बताएं कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। धन्यवाद। कार्यकारिणी बन गई है, अब जो भी काम होगा अपनी कार्यकारिणी सारे मिलके, अपन कोई भी काम होगा बस्ती का सारे मिलके एक साथ काम करेंगे। अपन को एकता एकजुटता निकालनी है, कहीं भी चलना है तो सारे एक साथ मिलके चलेंगे। जो भी काम होगा अपन सारे मिलके चलेंगे, जैसे महाराज जी है, भाई साहब जी है, इन सभी को साथ लेके चलना है। हमको जो भी बस्ती का जो भी छोटा से बड़ा जो भी काम है हमको सारे मिलके एक साथ करना। अपन में ये नहीं है कि ये बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। ये बस्ती का काम अपने विकास समिति है, अपन सारे हिंदू मुस्लिम जो भी है सारे मिलकर एक साथ काम करना। जय जय भारत। समस्या को बताएगा ना लाइट पानी बिजली जो भी समस्या होगी, लेकिन अक्टूबर वो चार सौ बार हो गई तो ये समझ लीजिए सारी समस्या का हो जाएगा। हर बच्चा वगैरह जो भी है आपके अपने दिन लोग अच्छी शिक्षा पाएंगे, अपना देश बहुत कर दिया जाएगा। और अपने लिए मतलब अपने क्या है क्या नहीं, अपने सब भाई हो गए सब मिलकर एक ही काम करना, अपने देश को आगे लेके जाना। क्योंकि अपने इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश का कार्य सब कुछ इसी का कर रहे हैं, इसीलिए अब की बार अब एक फोन में तो लेंगे राजीव जी का, ये एक बार कंप्लेन तुम घर में चले तो वो कार्यक्रम हो जाएगा आएगा। हमारे बच्चों के ना तो आधार कार्ड बन पा रहे हैं, ना वो पहचान पत्र बन, वोटर आई डी बन नहीं पा रही। वो हिसाब देखो तो ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं। पहले बोलते आज पानी के लिए भी करने पड़ रहे थे भाई, काम की तो हमें मिला ही पानी का खत्म हो जाए। राशन कार्ड बना हुआ है, राशन चालू नहीं हो रहा है। राशन कार्ड बना हुआ है, चालू नहीं हो रहा है। हमको तो मालूम नहीं काम कैसे करेंगे। जो विकास हो पर हमें ये और वो भी पीली, वो देखो उल्लू बैठी, हाँ ये दोनों सदमा में गया। रोड पे लाइट भी नहीं है,
गेट से लेकर यहाँ तक संसार तक लाइट रहेगी। आईडी गाड़िया ना रोक आवाज आप अंदर ही आऊंगा तो मान क्यों रोक सो बात तो सही अरे सोनी जी चलो हर्ष कौन सी मैं हाँ हाँ मेरी बात नगर पहले बट्टा बस्ती में से